दोस्तों, मैथ सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी भी आप दबा लीजिएगा। तो देखिए, हम आपको जो है न्यूमेरिकल बता रहे हैं कुछ, और ये न्यूमेरिकल भी आप तैयार करते रहिए ताकि उसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। तो आप अगर न्यूमेरिकल तैयार किए हैं तो न्यूमेरिकल से भी अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो है ये तरंग प्रकाशिकी का जो है ये प्रश्न 10वां है, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है, दो विभिन्न स्रोतों से एक तरंग है एक विशेष बिंदु के निकट अतिछादित करती हैं। दोनों तरंगों के आयाम और आवृत्तियां समान हैं। उनकी तीव्रताओं का उस समय अनुपात का आकलन कीजिए जब वह 90° अलग की अपेक्षा दोनों समान कलांतर में आती हैं। अब देखा रहा है यहाँ पर जो है, दो विभिन्न स्रोतों से तरंगें एक विशेष बिंदु के निकट अतिछादित करती हैं। प्रश्नों को बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद हल करते हैं। दोनों तरंगों के आयाम और आवृत्तियाँ समान है, तरंगों का जो है आयाम और आवृत्तियाँ क्या समान है। उनकी तीव्रताओं का उस समय अनुपात का आकलन कीजिए वह जब वह 90° अलग की अपेक्षा दोनों समान कलांतर में आती हैं। तो यहाँ दोनों जो है हम मानेंगे, माना हल में हल करेंगे, माना एक दूसरे पर अतिछादित होने वाली तरंगों के आयाम, माना जो है एक दूसरे से जो है ये पर अतिछादित जो है अतिछादित दोनों तरंगों के आयाम क्रमशः A1 एवं A2 है। दोनों क्या कह रहा है यहाँ, दोनों तरंगों के आयाम आवृत्तियाँ क्या है, समान है। तो A1 बराबर हो जाएगा A2 बराबर A। अब यह भी कह रहा है कि उनकी तीव्रताओं का उस समय अनुपात आकलन कीजिए जब वह 90° के अलग की अपेक्षा दोनों समान कलांतर में आती हैं। समान कलांतर में भी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जब वह एक दूसरे पर समान कला में अतिछादित हैं, जब वह एक दूसरे समान कला में अतिछादित हैं, ठीक है, अच्छादित हैं, तो माना इस स्थिति में मानेंगे, देखिए जब हो रहा है तो मानेंगे, माना इस स्थिति में जो है ये प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता हो जाएगा I1 मान लीजिए, ठीक है, जिसमें थीटा जिससे थीटा 0°, ठीक है। यहाँ हम मानेंगे जब वो एक दूसरे से समान कला में, देखिए कह रहा है दोनों समांतर कला में हो, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0° हो जाएगा। तो इस स्थिति में आयाम A1 है, यदि इस स्थिति में आयाम A1 है तब हो जाएगा A1 बराबर हो जाएगा A1 स्क्वायर अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। A1 है, ध्यान दीजिएगा, यदि इस स्थिति में आयाम A1 है तब A1 बराबर इतना हो जाएगा। और यहाँ देखिए थीटा क्या दिया है, 0° दिया था, यहाँ रखेंगे हम तो A1 स्क्वायर यहाँ A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। देखिए आपको जो है वैल्यू होना याद होना चाहिए मान, नहीं तो फिर दिक्कत है, इतना गुड़े 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इतना हो गया, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम आगे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से देखिए जो है यहाँ से हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 1² और यहाँ A2 है, ये जुड़ेगा नहीं, यहाँ से सूत्र हो जाएगा A1 प्लस A2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में वर्ग है, अंडर रूट में, तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा A1 प्लस A2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से A1 बराबर इतना आ गया, ठीक।
और अगर समान है, देखिए कह रहा है ऊपर क्या है, ए वन ए टू क्या है, समान है, ए वन बराबर ए टू बराबर ए है, तो यहाँ जो है ए वन बराबर ए, यहाँ भी दोनों अगर ए रखेंगे समान है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा टू ए, ठीक है। अब यहाँ से आई वन निकालेंगे तो आई वन हो जाएगा, आई वन बराबर होता है ए वन स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से टू ए स्क्वायर और यहाँ भी टू ए आ जाएगा, टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से मिलके हो जाएगा चार ए स्क्वायर, ये टू ए स्क्वायर दो दुना चार स्क्वायर, दो दुना चार स्क्वायर, ये तो यहाँ से हो जाएगा ये दो दुना चार ए स्क्वायर और दो दुना चार ए स्क्वायर, आठ ए स्क्वायर हो रहा है, इतना नहीं होगा यहाँ, यहाँ ए वन स्क्वायर है केवल ही रख रहे हैं ना, तो केवल यहाँ ये होगा चार ए स्क्वायर होगा, यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ क्या होगा केवल चार ए स्क्वायर, आई वन बराबर ए वन स्क्वायर चार ए स्क्वायर, समीकरण नंबर इसको एक मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ ए वन स्क्वायर यहाँ रहेगा, ठीक है, और यहाँ ए यहाँ जो है टू ए का होल स्क्वायर हो गया, ए टू की जगह हम इसके जगह रख दिए, ठीक है, यहाँ पर जो है वैल्यू रख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम मानेंगे, अब यहाँ मानेंगे, ये माना कि जो है आई टू और ए टू प्रकाश की दूसरी स्थिति में तीव्रता है, मानेंगे, माना यहाँ तो आई वन आ गया, अब यहाँ इसमें ए टू भी आएगा, मानेंगे, माना कि आई टू तथा ए टू प्रकाश की दूसरी स्थिति में तीव्रता तथा आयाम है, आयाम है, जब दोनों तरंगों का कालांतर क्या होता है, देखिए यहाँ दिया है, जब वह 90 अंश की अलग अलग अपेक्षाओं जो है, अलग की अपेक्षाएँ दोनों समांतर कालांतर में आती हैं, ठीक है, आयाम है जब दोनों तरंगें 90 अंश कला में कला से अलग अति छादित करती हैं, ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 90 अंश, तो यहाँ जब हम ए टू लेंगे तो अंडर रूट में ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस थीटा टू, देखिए थीटा टू ले लिए हैं, पहले रखे थे तो थीटा जीरो था, थीटा वन, यहाँ थीटा टू है तो थीटा जो 90 अंश है तो थीटा टू यहाँ जो है यहाँ रखेंगे हम, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस 90, कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, ज़ीरो होता है, ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों देखिए यहाँ पर जो है समान कालांतर में है, क्या है, समान में है, तो यहाँ से अगर समान है, यहाँ ए वन बराबर ए टू बराबर ए है, तो यहाँ से ए टू बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट में टू ए स्क्वायर ए रूट टू हो जाएगा, यहाँ से ए टू का वैल्यू यहाँ रखें, क्योंकि ए वन ए टू बराबर, देखिए शुरुआत में ही हमने जो है माना है कि यहाँ ए वन ए टू जो है इतना है, तो यहाँ रखेंगे हम तो इतना आ जाएगा, ए टू बराबर ए रूट टू हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जो है I2 बराबर हो जाएगा, I2 निकालेंगे, I2 बराबर हो जाएगा A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो A2 जो वैल्यू आया है रख देंगे, A2 का वैल्यू यही है, ए रूट टू का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रूट टू से बाहर वर्ग होगा ये, तो टू हो जाएगा और ए का ये स्क्वायर हो गया, इतना हो गया यहाँ से, ठीक है, और हमको निकालना है अनुपात I1 संबंधे I2, ठीक है, तो I1 बटा I2 हो जाएगा, I1 की वैल्यू क्या आई है, पहले जो आई है उसको हम रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ जो है I1 की वैल्यू क्या है, फोर ए स्क्वायर है, क्या यहाँ पर है, यहाँ पर जो है वैल्यू है ये फोर ए स्क्वायर है, ठीक है, और I2 की वैल्यू जो है टू ए स्क्वायर है, फोर ए स्क्वायर यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अब ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आई वन संबंधे आई टू बराबर दो दूना चार, यानी दो संबंधे एक आ जाएगा, तो यहाँ से इस प्रकार इसको हम हल करते हैं।
ठीक है, यहाँ जो है ये गड़बड़ था, यहाँ आई वन बराबर ए वन स्क्वायर था ये, ठीक है, आई वन बराबर ए वन स्क्वायर था तो यहाँ हम रखे थे, यही हो गया। देखिए यहाँ जो है ये, यहाँ से यहाँ जो है आई वन बराबर ए वन स्क्वायर केवल रहेगा, ठीक है, यहीं रखेंगे तो दोनों चार हो जाएगा, यही आई वन का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ ये केवल यहाँ इतना रहेगा, ए वन स्क्वायर बराबर यहाँ यहाँ रखेंगे वैल्यू तो चार ए स्क्वायर हो गया, आई वन बराबर, ध्यान दीजिएगा, तभी तो आई वन बटा चार स्क्वायर और आई टू टू ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो देखिए इस प्रकार जो है ये प्रश्न हल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर जो है अगले प्रश्न को हल करते हैं, ग्यारहवां। ये ग्यारहवां प्रश्न कैसे हल होगा वह देखिए, ये ग्यारहवां प्रश्न देखिए, यह दिया गया है यहाँ जो है ये 10^6 मीटर पर सेकंड की चाल से एक रॉकेट पृथ्वी से दूर जा रहा है, यदि इससे उत्सर्जित ऊर्जा का तरंगदैर्ध 5700 एंगस्ट्रॉम है तो डॉपलर विस्थापन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ राकेट की चाल चाल हो जाएगा भी बराबर 10^6 मीटर पर सेकंड है, लिख लेंगे। अब तरंगदैर्ध कितना है ये लिख लीजिए, ठीक है, उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर हो जाएगा 5700 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। अब प्रकाश की चाल क्या होता है, c 3×10^8 या आपको याद होना चाहिए मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो डॉपलर विस्थापन कह रहा है तो लेमडा डेल लेमडा बराबर हो जाएगा यहाँ से ये देखिए डॉपलर विस्थापन सूत्र होता है, डॉपलर विस्थापन ज्ञात करना है तो डेल लेमडा बराबर हो जाएगा यहाँ से ये भी बटा सी लेमडा हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से जो है देखिए, यहाँ से होने के बाद अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और हल हो जाएगा। बी की वैल्यू 10^ क्या है 6 है, देखिए यहाँ दिया है, और सी की वैल्यू वहाँ प्रकाश की चाल है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, और लेमडा की वैल्यू जो है 5710^10 हो जाएगा मीटर हो जाएगा, स्टैन में बदलेंगे 10^10 आ जाएगा। यहाँ देखिए अब इसको हल कर दीजिए, बड़े आराम से इसको हल करिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ये ऊपर 6 है, 10^8 नीचे है, 1/3 को रहने देते हैं, 10^6 है, ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, ये -10 इसमें से ये ले लीजिए और 2 सुनने आया है तो यहाँ से 10 यहाँ 2 इसमें जोड़ दीजिए, 57 हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटिए, 3×3×3 यहाँ 3×3×3 2×3=27 तो यहाँ 19 × अब देखिए 6×2=8 -8 -10 8 से 8 कट गया, यहाँ से आ जाएगा 19×10^ आ जाएगा यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है, यानी यह आ जाएगा 19 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार यही विस्थापन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 12वां हल करते हैं, 12वां कैसे होगा देखिए, इन प्रश्नों को जो है विशेष ध्यान दीजिए, और प्रश्न पर अगर विशेष ध्यान देते हैं तो उसमें कोई भी प्रश्न आएगा तो आप जो है उससे भी अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं। डी डूरी से कह रहा है, डी डूरी से पृथकृत झर्रियों के एक युग्म पर 5×10^7 मीटर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अवतरित है, 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर व्यतिकरण ढांचा दर्शाता है कि प्रत्येक झर्री के ठीक विपरीत स्थिति में गहरापन है, झर्रियों के बीच पृथकीकरण डी का आकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि डी दूरी से पृथकृत झर्रियों के युग्म पर जो है इतना तरंगदैर्ध्य का, यानी तरंगदैर्ध्य इतना दिया है अवतरित है, और 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर व्यतिकरण ढांचा दर्शाता है कि प्रत्येक झर्री के ठीक विपरीत स्थिति में गहरापन है, झर्रियों के बीच प्रतिकरण डी का आकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले प्रकाश का तरंगदैर्ध्य लिखेंगे, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 5×10^7 मीटर, ठीक। अब झर्रियों के पर्दों के बीच की दूरी क्या दिया, देखिए दिया तरंगदैर्ध्य के प्रकाश अवतरित इतना मीटर दूर रखे पर्दे पर प्रतिकर ढांचा दर्शाता है, तो यहाँ हो जाएगा झर्रियों और पर्दों के बीच
पर्दे के बीच दूरी डी बराबर 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बीटा बराबर हो जाएगा स्मॉल डी। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक झिरी के ठीक विपरीत स्थिति में गहरापन झिरियों के बीच पृथक्करण डी का आकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये बी बीटा बराबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी हो जाएगा बीटा बराबर इतना हो गया डी, ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा ये बीटा बराबर लेमडा डी बटा स्मॉल डी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जो हम क्या करेंगे, यहाँ इतना हो गया लेमडा डी इंटू कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, ठीक है। और बीटा वाला भी यहाँ भी डी दिया है, ये भी सूत्र होता है, तो यहाँ रखेंगे डी बराबर लेमडा डी बटा स्मॉल डी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये इतना आ गया, ठीक है, डी बराबर लेमडा डी बटा स्मॉल डी, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर इसके तिरिया गुणा करें तो डी स्क्वायर बराबर लेमडा डी हो जाएगा, ठीक है। अब डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लेमडा डी। देखिए जो है यहाँ से ये दोनों सूत्र होता है, इसलिए यहाँ रखें, यहाँ से तिरिया गुणा किए डी स्क्वायर हो गया और यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ स्मॉल डी बराबर लेमडा की वैल्यू क्या है, 5×10⁻⁷ है, और कैपिटल डी यहाँ डी बीच की दूरी क्या है, देखिए यहाँ डी बराबर क्या है 2 मीटर है, तो यहाँ डी बराबर 2 मीटर देखिए दिया है, यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा गुणा कर दीजिए, तो 5×10⁻⁷ है, तो यहाँ 10 पे है ये, यह है यहाँ गुणा जब होगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा, निकालेंगे तो यहाँ 10⁻³ मीटर हो जाएगा, यानी 1 mm आ जाएगा, 1 mm आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 13वां को हल करते हैं। 13वां कैसा कैसे हल होगा, बहुत छोटा है अभी है। 2 तारों की न्यूनतम कितना कोणीय प्रतिकरण है यदि 1 0.2 मीटर द्वारा का दूरदर्शक का अभिदृश्यक उन्हें देखने के काम लाया जाता है। उपयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 5900 एंगस्ट्रॉम है। 2 तारों का, देखिए तारों में न्यूनतम कितना कोणीय प्रतिकरण है, तारों की बात कर रहा है, ऐसे प्रश्न आते हैं। यदि 1 0.2 मीटर द्वारा का दूरदर्शक अभिदृश्यक उन्हें देखने के काम में लाया जाता है, उपयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य दे दिया है, तो ऐसे प्रश्न भी जो है आपको बस वैल्यू याद होना चाहिए। दूरदर्शक के जो है अभिदृश्यक का व्यास कितना दिया है, देखिए यहाँ दिया है, ये व्यास दिया है, ठीक है, इतना दूरदर्शक के अभिदृश्यक दृश्यक का व्यास डी बराबर दिया है 0.2 मीटर दिया है, ठीक। अब यहाँ लेमडा भी दिया है, लेमडा भी दिया है, लेमडा प्रकाश की तरंग दर्द है, क्या है ये, प्रकाश की तरंग दर्द, लेमडा बराबर राइटिंग थोड़ा सा आप लोग विशेष रूप से बनाइएगा, हमारा बात मत करिएगा, क्योंकि हम जो है राइटिंग थोड़ा सा कभी बनता है कभी नहीं बनता है, ठीक है, टाइम लगता है बनाने में, धीरे धीरे लिखने में, हम थोड़ा सोच रहे हैं जल्द जल्द बता दें आप लोग को अच्छी तरह से, ठीक है। इतना हो जाएगा, इंस्टेंट में बदलेंगे मीटर हो जाएगा। अब देखिए इसमें सूत्र लगेगा, यहाँ कह रहा है कि 2 तारों के न्यूनतम कोण की प्रतिकरण, यहाँ दोनों तारों में न्यूनतम कोणीय प्रतिकरण का सूत्र हम लिखेंगे, 2 तारों का याद होना चाहिए, दोनों तारों में न्यूनतम कोणीय पृथक्करण पृथक्करण डी थीटा बराबर हो जाएगा, ज्ञात करना है, यानी डी थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा 1.22 लेमडा बटा कैपिटल डी, इसी में रख देना है और हल कर लेना, निकल जाएगा 1.22 लेमडा की वैल्यू क्या है, 5900×10⁻¹० मीटर है, और कैपिटल डी जो है 0.2 है। अब देखिए इसको हल करना जो है आपको जानना चाहिए कैसे हल होगा। ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 1 अंक है, तो ऊपर नीचे हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक है, दशमलव हटाने के लिए ऊपर गुणा होगा तो 122 हो जाएगा, दशमलव हट गया, 5900×10⁻¹० और नीचे हल हो गया, तो 1 दशमलव यहाँ 100 से गुणा किया गया तो 2 यानी 20 हो जाएगा, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ जाएगा 122 590×10⁻¹० हो जाएगा,
और नीचे हो जाएगा दो, दो से काटिए दो कम दो, छः के 12 दो कम दो, 61 × 590 × 10^10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो है इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो यहाँ कैलकुलेट करने के बाद जो है इतना मीटर आ गया, ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में हल करने को आएगा 3.6 × 10^6 जो है ये आएगा, ठीक है, रेडियन, ठीक है, इस प्रकार ये हल हो गया। तो इस प्रकार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।